हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं संग्राम मूर्तिकार। दोस्तों, आज मैं मूर्ति का जो बाल होता है उसका मैंने डाई बनाया हूँ, और उस बार तो मैंने हाथ से बनाया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। और दोस्तों, अब की बार इस सांचे से बाल मैं निकाल के कैसे बाल को मैं इस मूर्ति में लगाऊँगा। सिर्फ एक ही मूर्ति जो कि नटराज है उसी को मैं बनाऊँगा। और दोस्तों, यह मुकुट भी न्यू मॉडल का है, और फेस भी आप लोग देख लीजिएगा। अभी तो कपड़ा नहीं पहनाए हैं, बाकी आप फेस देख सकते हैं, नया फेस। दोस्तों, एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँ। और दोस्तों, मेरे पास ऐसे करीब 3-4 प्रकार का मुस्कुराने वाला मैं फेस बनाया हूँ, और ये मुकुट का भी मैंने आपको लोगों को बता दिया हूँ, जो कि मैं ऐसे ही बनाता हूँ। तो दोस्तों, इनमें हम कपड़ा पहना देते हैं, डायरेक्टली आपके पास आते हैं पहनाने के बाद, कैसे क्या लगता है दोस्तों। बस एंड तक आप लोग बने रहिएगा, एक डिजाइन ये भी है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए कपड़ा पहना कर, दोस्तों मैंने आपको जैसा कह दिया हूँ कि देख सकते हैं आप, इसमें साड़ी जो कि मैंने मिट्टी का और बोरे का इस्तेमाल करके साड़ी मैंने पहना दिया हूँ। तो बाकी दोस्तों, इसमें बाल कैसे बनाएंगे उसका मैंने डाई आपको दिखाया था, उसमें से निकालने के बाद बस एक ही एक के ऊपर लगा देंगे। और दोस्तों, अगर आपको बाल देखना है कि कैसे मैं लगाऊंगा, तो आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, तभी मैं बाल लगा सकूंगा। और दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय है नहीं इस समय, जो कि मूर्ति में ज़्यादा ही कुछ व्यस्त रहते हैं, रात दिन काम करते हैं, जो कि बहुत नज़दीक समय आ गया है। तो मात्र एक ही ऐसी मूर्ति जो कि मैं नटराज बोलते हैं, जो कि पूरा मिट्टी का रहेगा, उसमें आप देख सकते हैं मुकुट। इसका वीडियो मेरा काफ़ी वायरल जा रहा है, अभी भी एनालिस्ट में देखते हैं जाके तो कम से कम सबसे ज़्यादा ऊपर ये वीडियो शो करता है, जो कि इसको ज़्यादा देखते हैं लोग। और पहली बार मैंने इस तरह का गुंबद मुकुट बनाया है, कई लोग ने मांगा भी है। और दोस्तों, जो कि इसको मैं मूर्ति में लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा लग रहा है, और ये मुस्कुराता हुआ फेस भी पहली बार मैंने बनाया हूँ, जो कि इसका भी वीडियो मैंने डाल दिया हूँ। अगर आप लोग ना देखे हों, देखना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका फेस का और जो कि मुकुट का कैसे क्या बनाया जाता है लिंक डाल दूँगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों, मेरा आज का वीडियो थोड़ा सा ब्लॉग टाइप में है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ कि एक नया मॉडल में मूर्ति मैंने बनाया था, शायद पर्दे के पीछे, यानी कि ये मैंने उसका वीडियो आप लोगों को नहीं दिखाया हूँ, बाकी आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ तक फिनिशिंग मिट्टी लग गई है। बाकी दोस्तों, रियल में मैं बताऊँ, जैसा कि समय मेरे पास वाकई कुछ है नहीं है, इसलिए पहले ये दोनों मेन लाइन जो कि हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी मैं आपको और दिखा देख सकते हैं। ये साइड की जितनी मूर्तियां हैं सब राक्षस वाली हैं, जो कि इसमें बहुत सारे कुछ बनाना पड़ता है, जैसा कि सर्प हो गया, भैंस का सर, और ये सब काफ़ी इसमें बिरी बिरी का जो कि महीनी काम रहता है। तो इसको जो कि पिलरदार बैकग्राउंड भी है, जो कि इसको हम लोग पहले तैयार कर रहे हैं, जैसे ये दोनों लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें मैं पेंटिंग चालू कर दूंगा, जो कि मशीन से प्रेशर मशीन होती है, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा हम लोगों को समय भी मिल जाएगा। बाकी और लोग, ये लोग आगे साइड काम करने लगेंगे, मैं इधर पेंटिंग चालू कर दूंगा। तो आप लोग कुछ ऐसे ही काम करिए, समय बचाइए, जो कि समय इसमें बहुत ही बड़ा होता है, समय अपने गति से चलता जाता है, बाकी हम लोग काम में लेट हो जाते हैं, तो नाइट में भी करना पड़ता है। कुछ ऐसा तरीका भी यूज करिए कि एक तरफ जैसा आप थोड़ा सा कंप्लीट कर लें, उधर पेंटिंग चालू कर दें, और बाकी के लोग जो भी हैं आपके, वो पीछे साइड और मूर्तियां कंप्लीट करते रहें। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा काम आगे ले आ लेता हूँ। बाकी दोस्तों, मेरा जो मैंने फेस बनाया था, ये इसका वीडियो तो डाल दिया हूँ, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फेस कैसा लगा। इसका मैंने आपका उस थंबनेल को देखकर आप खुद ही पहचान जाएंगे कि किसका मैंने वीडियो बनाया था, जो कि इसी तरह का मेरे पास एक फ़ोटो आया था व्हाट्सएप में, मेरे सब्सक्राइब भाई ने भेजा था, तो उसी को मैं देखकर बनाया था।
लगभग हूबहू ऐसे ही लग रहा है। आप लोग वीडियो देखें तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। और ये मुकुट है, इसमें दोस्तों ये डिजाइन जो है थोड़ा सा मेरा छोटा पड़ गया था, इसलिए मैं इसमें का एक डिजाइन निकाल दिया हूँ ताकि मुकुट मेरा ये क्लियर दिखे। और ये गुंबज टाइप में मुकुट बनाया है बगल बगल, जो कि हाथी का सर लगा हुआ है। तो दोस्तों एक मैं मॉडल का और बनाया था, आप लोगों को वीडियो में शायद नहीं दिखाया, तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से। ये भोले बाबा का सामने का फेस है, साइड फेस का मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। ये सामने का फेस है और ये साइड मोर भी है, और ये साइड में मैं पिलर दे दिया हूँ। कोई भी डिजाइन किसी भी तरह आप लोग घुमा फिरा कर जो कि एक्शन यानी कि डिजाइन निकाल सकते हैं। तो देखिए ना, ये दाने से मैं कुछ इस प्रकार से लगा दिया हूँ, और आप देखेंगे तो ये पिलर में है कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से ये। तो दोस्तों मेरा वीडियो आज का यही ब्लॉग टाइप था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद आप लोगों को कुछ कलर बना के दिखाऊं। और दोस्तों जो आप लोग कमेंट करते हैं उसका मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूं। आप लोग जहां से कमेंट करेंगे वहीं जाकर अपना उत्तर ले सकते हैं रिप्लाई क्लिक करके। बाकी एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। ये देखिए ये इधर लगभग कंप्लीट हो गया है, अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो ये आज से कल तक में फाइनल कर देंगे, शायद परसों का पेंटिंग चालू कर देंगे। बाकी दोस्तों आप लोग को ये भी दिखा दूं, अभी मैं बाहर का काम नहीं कंप्लीट कर पाया हूं। ये सब देखिए, अभी इसमें फिनिशिंग मिट्टी लगानी बाकी है। और ये एक मोर जो कि मैंने शायद पिछली बार बनाया था, इसमें नीचे का फूल बनवा दिया गया है और इसमें मोर का पंख लगेगा। और ये दोस्तों एक ये डिजाइन थी जो कि मैंने अब की बार बनाया था, और एक ये डिजाइन था। तो अभी इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर फिनिशिंग मिट्टी भी नहीं लगी। और मेरा ये देखिए साइड फेस का जो गणेश है ना, इनका हाथ वगैरह भी लग रहा है इधर, तो इधर हाथ लग रहा है, बाकी और सब कंप्लीट हो गया है, बाकी फिनिशिंग मिट्टी लगनी बाकी है। तो ये फिनिशिंग मिट्टी लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, नाइट और दिन करके इधर को देखा जाए तो 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ये लोग कंप्लीट करते रहेंगे वैसे मैं इधर पेंटिंग कर दूंगा, तो मेरा लेवल में आ जाएगा, थोड़ा सा काम नज़दीक हो जाएगा। बाकी दोस्तों क्षमा चाहता हूँ कुछ ना बना के दिखाने के लिए। बाकी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि कैसा आपको लगा, जैसा भी हो बताइएगा। धन्यवाद।